निजी शिक्षा संस्थानों को लेकर जबलपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की। इसके बाद मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में निजी शिक्षा संस्थानों को लेकर कार्रवाई की बात जोर पकड़ने लगी है। मामला छिंदवाड़ा का है, छिंदवाड़ा में भी कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया को लेकर बात उठने लगी है। निजी शिक्षण संस्थाओं को लेकर जांच करने की बात जिला प्रशासन करने लगा है। बीते दिन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन की ओर से एक जांच दल का गठन किया है, जो SDM बार जांच दल निजी शैक्षणिक संस्थाओं की जांच करेगा और शैक्षणिक संस्थाओं में यदि कमियां या त्रुटियां पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब बड़ा साफ है, शिक्षा माफिया के खिलाफ प्रशासन अब पैनी निगाहों से देख रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए बाकायदा आदेश प्रसारित कर दिए हैं। छिंदवाड़ा में कलेक्टर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, हम अपने दर्शकों को बताते हैं। क्या शिक्षा माफिया पर कोई नियंत्रण आगामी समय में देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर इसमें जो अभी हमारे मध्य प्रदेश शासन के भी समय निर्देश भी आ चुके हैं, जबलपुर जिले में भी जो कार्रवाई हुई है काफी सराहनीय कार्रवाई है मेरे हिसाब से। मैं निश्चित तौर पर चाहूँगा कि छिंदवाड़ा जिले में भी इस तरह की कोई स्थितियाँ उत्पन्न ना हों और यहाँ पर इस तरह से जो कोई प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं ऐसा कर रही हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि इस तरह की गतिविधियों में तत्काल रोक लगाएं। हम लोगों ने अभी कल ही ये ऑर्डर शासन का आदेश तो हालांकि आ जाए, परंतु मैंने कल ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और अन्य अधिकारियों के साथ में दल बना दिए हैं जो कि उन सारे बिंदुओं पर जांच करेंगे जैसा कि जबलपुर में किया गया, बल्कि कुछ और जो पॉइंट वहां पे छोड़ दिए गए उनको भी ऐड कर दिया गया। प्रपत्र बना करके हम लोगों ने सभी अधिकारियों को दे दिए हैं। SDMs का जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने सभी SDMs को कहा है कि वो अपने सब डिवीज़न में पूरी सख्ती से जाँच करें और आगामी आने वाले समय में अगर ऐसा मिलेगा कि कहीं पर भी कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, FIR करने की ज़रूरत है और गलतियाँ की गई हैं तो वो सब कार्रवाइयाँ भी निश्चित की जाएंगी। शिकायतें निजी स्कूलों की आ रही हैं कि साहब फीसें अपनी मर्जी से वो बढ़ा देते हैं, जिला समिति से कोई स्वीकृति नहीं होती, मध्य प्रदेश शासन से कोई स्वीकृति नहीं होती और अपनी मर्जी से वो फीस बढ़ाते हैं। छिंदवाड़ा में ऐसे कितने निजी स्कूल हैं जो आपसे परमिशन ले रहे हैं और फीस बढ़ा रहे हैं? निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से संबंधित किसी अभिभावक ने हमारे पास शिकायत तो नहीं की है, लेकिन आए दिन प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें आ रही हैं कि वह मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं और लेकिन उन्होंने हमसे ऐसी कोई परमिशन नहीं ली है और ना ही हमसे ऐसा कोई आवेदन हमारे यहाँ दिया गया है कि हम फीस बढ़ा रहे हैं। 2017 मध्य प्रदेश विद्यालय का कोई अधिनियम है जी, उस अधिनियम का पालन छिंदवाड़ा के कितने निजी विद्यालय कर? 2017 अधिनियम और 2020 के अंतर्गत हमने मार्च के महीने में ही कलेक्टर महोदय से एक आदेश जारी कराया था और सभी संबंधित निजी विद्यालयों को बोला गया था कि आप इन नियमों का भली भांति अध्ययन कर लें और इनका आपको पालन करना है। तो ये हमने जारी करा चुके थे, लेकिन अभी भी मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि अभी भी कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये आपत्तिजनक है, हम इसमें संज्ञान ले रहे हैं। स्कूल संचालन के लिए प्रतिवर्ष एक ऑडिट रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष निजी विद्यालय को सौंपनी पड़ती है और वो ऑडिट रिपोर्ट से तय होता है कि स्कूल घाटे में है या फायदे में है, उसके बाद फीसों का निर्धारण होता है। ऐसे कितने विद्यालय हैं जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट आपको या शासन को सबमिट कर रहे हैं? जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती है, किंतु शासन ने एक पोर्टल जारी किया है MPDPI के नाम से, उसमें इन लोगों को अपना 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी है और यदि कोई फीस वृद्धि ये चाहते हैं तो वो फीस वृद्धि के लिए जब आवेदन लगाते हैं तो उस समय इनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सौंपना होता है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसे कोई आवेदन फीस वृद्धि से संबंधित नहीं आए हैं, ना कोई ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने कोई जमा की है। शिक्षा माफिया
एक तो फीस वृद्धि के मामले में चर्चाएं बहुत चलती हैं, दूसरा पाठ्यक्रम को लेकर पब्लिश प्रकाशन को लेकर भी बड़ी चर्चा चलती है। निजी विद्यालय अक्सर एक फिक्स दुकान से विद्यार्थियों को प्रेशर डालते हैं कि इन्हीं जगह से आपको अपनी पुस्तकें लेनी होगी। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बतौर किस तरह की शिकायत आ रही है और किस तरह से निराकरण आप करने जा रहे हैं? देखिए, इसको लेकर अभी शासन के द्वारा जो आदेश हुए थे तो हमने यहाँ 11, 12 एवं 13 मई को एक पुस्तक मेला भी आयोजित किया था, और इसके पूर्व में भी निजी विद्यालयों को और हमने प्रेस नोट इत्यादि के माध्यम से भी अभिभावकों को सूचित किया था कि कोई भी विद्यालय किसी विशेष दुकान से पुस्तक गणवेश इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, वह खुले बाजार में अभिभावक अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकता है। किंतु मीडिया के माध्यम से ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ विशेष दुकानों में ही कुछ विशेष स्कूलों की पुस्तकें मिलती हैं, खुले बाजार में या अन्य पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ वह उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो अभी हम इसको भी हम संज्ञान में ले रहे हैं और इसमें भी हम आगे अभी कार्रवाई करने वाले हैं। बतौर जिला शिक्षा अधिकारी, आप जब सिवनी में पदस्थ थे, एक मामला प्रकाश में आया था, वो मामला कहीं ना कहीं फीस वृद्धि से था, वो क्या था मामला? वहाँ भी जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी था तो वहाँ भी कुछ स्कूलों की ऐसी शिकायतें आई थीं कि उन्होंने साहब फीस बढ़ा दी है। जब हमने उसकी जांच कराई तो फीस जो है नियम विरुद्ध बढ़ाई गई थी, उन्होंने 10% से अधिक बढ़ा दी थी, उसको जिला समिति से उनको अप्रूवल लेना था जो नहीं लिया गया। तो उस समय हम लोगों ने जांच करवा के कलेक्टर महोदय के माध्यम से लगभग 4 या 5 स्कूल थे जिनकी लगभग 8 से 10 लाख की जो फीस थी वह बच्चों को वापस करवाई थी। शिक्षा जगत में अक्सर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी जो है बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए वो अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, लेकिन जिस तरह से निजी संस्थानों का व्यवहार है इसको नियंत्रित करने कभी कोई जागरूकता अभियान या कभी कोई कार्यशाला जैसा कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी बतौर कोई प्लानिंग है क्या? देखिए, हम हर साल वैसे प्राइवेट स्कूलों की एक मीटिंग लेते हैं और इसके लिए हम प्रेस नोट भी जारी करते हैं, और अभी जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हमको खबरें प्राप्त हो रही हैं तो उसमें कलेक्टर महोदय जिला छिंदवाड़ा के द्वारा यह हम जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। वो जांच दल मैं गठित करवा रहा हूँ और कलेक्टर सर को पुटअप करूँगा, और कलेक्टर सर के माध्यम से जो बड़े स्कूल हैं ऐसे स्कूलों की हम एक प्राथमिक जांच कराना चाहते हैं कि वह 2017 या 2020 के जो अधिनियम है उसका पालन उन स्कूलों में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। कलेक्टर जबलपुर की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा कलेक्टर और छिंदवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी एक्टिव हुए हैं और एक जांच दल गठित करने की बात कर रहे हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। निजी शैक्षणिक संस्थाओं को नियंत्रित करने अक्सर पालक शिक्षक संघ हो चाहे अभिभावक शिक्षक संघ मोर्चा खोलते हैं और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। कलेक्टर जबलपुर की कार्रवाई प्रदेश के लिए नज़ीर बन के उभरी है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने भी शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर फीस के मामले में, पाठ्यक्रम के मामले में, पुस्तकों की खरीदी के मामले में जांच दल गठित किया है जो नियत अवधि पे जांच करके रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। जो कमियां पाई जाएगी उन शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसका मतलब बड़ा साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा शैक्षणिक माफिया के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने की है। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।